प्रार्थना का आप तीसरा और आखिरी दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो दिन कलाकारों ने कथक का अपने अपने ढंग से रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया और ये सब उस महान कथक गुरु आचार्य और कलाकार के प्रति, जिन्होंने के कथक को एक नया आयाम दिया, नई दिशा दी और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया, पंडित श्री शंभू महाराज, उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनके घराने के प्रति, उनकी याद के प्रति। तो आज उन्हीं को एक बार फिर याद करते हुए हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। उन्हीं के संबंध में एक ऑडियो विजुअल प्रदर्शन है, यानी श्रव्य ध्वनि कार्यक्रम के द्वारा। इसमें आप देखेंगे उनकी वो छवि, उनकी वो मनभावन आवाज, वो खूबसूरत आवाज जो 35-36 वर्ष पहले गूंजती थी और आज भी उतनी तरोताजा दिखाई देती है। उनकी मुद्राएं कथक के प्रति, उनकी आसक्ति, उनका शौक, उनकी मोहब्बत और उनका अपना अंदाज। तो आइए सबसे पहले आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं इस ऑडियो विजुअल प्रदर्शन से, जिसे प्रस्तुत किया है अविनाश पत्रिचा और अमृत पत्रिचा ने ध्वनि के लिए, पंडित शंभू महाराज के प्रति। जिंदा जी ने मेरे घंटा बांधा था।
भट्टी की जो जोड़ी थी घुंगरू की, आजकल तो ये छटंकी भर के घुंगरू पीतल के चलते हैं, ये तो मेरे पैर में मालूम भी नहीं होते थे, दस्ते वजन था। और वो घुंगरू बांध के मैंने 5 बरस रियाज किया, 6 घंटे रुक
लोगों के ताने और उनकी खामोशी, अरे यही दो चार बातें और क्या है जा? हाँ हाँ हाँ, खुदा खुदा राधा राधा राधा। अतीत मंथन कथक का रूप, पारंपरिक रूप क्या था प्राचीन समय में, उसकी उसकी झांकी, क्या उसमें परिवर्तन आए, किस तरह से वो आगे बढ़ा, ये सब अब जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे उसमें आप देख पाएंगे। कलाकारों का साथ देंगे वो हैं तबले पर गोविंद चक्रवर्ती, पखावज पर राम लखन, सितार पर विजय शर्मा, बांसुरी पर अशोक भट्टाचार्य, सारंगी पर बापू लाल और गायन में धीरा घोष और हरिशंकर राय। चीकू महाराज, बिरजू महाराज के सुपुत्र, thank you.
Thank you.
गोविंद दादा के साथ हुआ था मजाक। अब मैं भाई के साथ सुनूंगा, जहां मैं तुम्हारा
तबले के साथ और घुंघरू के फिनकार का आमना सामना तो होता ही है, पर कलाकार जब एक दूसरे से कोड़ में आ जाते हैं तो वो देखने से भी ताल्लुक रखता है। एक मुकाबला आ रही, एक प्रतियोगिता, कभी चार कलाकारों में और कभी दो। तो ये देखिए, लयकारी का खुला अंदाज कलाकार वही है कृष्ण मोहन महाराज, राम मोहन महाराज, शास्त्रोति सिंह और भास्वती मिश्रा। Thank you.
Thank you.
जो महाराज हैं दोनों एक दूसरे के सामने हैं और हम अपने को बीच का लड़की कर सकते हैं। धन्यवाद बिरजू महाराज। और जो कलाकार संगीत में महाराज का साथ देंगे उनमें तबले पर हैं उसका शहबाज अहमद खान साहब, सरोद के अलावा सितार पर विजय शर्मा, पखावज पर राम लक्ष्मण, बांसुरी पर अशोक भट्टाचार्य, सारंगी पर बाबूलाल और गायन में हरिशंकर राय। तो ये कलाकार और इनके साथ बिरजू महाराज।
तो यहाँ आके इलाहाबाद की तरह संगम हो गया मेरे अंदर।
कुछ चीजों में कोशिश करूंगा कि उनकी जैसे उनकी जैसी दिखे, पर मैं संगम का बना हुआ हूँ। तीन लोग, तीन लोग अंदर आ जाते हैं। अंदाज़ बयान करने का है।
लेकिन जब से इसकी पैदाइश हुई इसके करने वाले मेंबर बहुत ढेर सारे हुए हिंदुस्तान में, और मैं मुझे मालूम है कि कैसे पैदा हुई थी। जैसे दाएं बाएं की फसल कपड़े लगाए गए कैसे बोलता है तो पैर के उच्चारण में भी वही अंदा करना चाहिए। Thank you.